आप जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं तो दो मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि गुलजार आज़मी साहब जो जमीयत उलमा के महाराष्ट्र के लीगल सेक्रेटरी थे, उनकी याद में एक लीगल लेक्चर सीरीज़ का सिलसिला आज से शुरू हुआ है और ये पहला लेक्चर है जिसे एडवोकेट अब्दुल करीम पठान साहब एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा मकसद है इनोसेंस नेटवर्क की जो कोर कमेटी है उसकी मीटिंग हर महीने होती है, तो इस प्रोग्राम के बाद उसकी मीटिंग भी इंशाल्लाह होगी। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे आज के स्पीकर मेहमान एडवोकेट अब्दुल करीम पठान साहब से कि वो डायस पर तशरीफ़ लाए। मैं इनका तारुफ पेश करने से पहले गुलजार आज़मी साहब के बारे में चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और गुलजार आज़मी साहब तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हालांकि वो मरहूम है लेकिन आज भी लोगों के अंदर बड़े मकबूल है। आप जानते हैं कि सन 2000 के बाद जब मुल्क के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही थी और बड़े पैमाने पर हो रही थी, उस ज़माने में बड़े पैमाने पर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियां भी हो रही थी और टाडा कोटा यूएपीए और एनसीओसी एक्ट के तहत बहुत सारे मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेलों की सलाखों के पीछे बंद किया जा रहा था। ऐसे वक्त में जो गरीब नौजवान थे, जो गरीब जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, वो लीगल कार्रवाई से महरूम थे और जिसके नतीजे में वो कई सालों तक के जेल में उनको रहने पर मजबूर होना पड़ता था। ऐसे वक्त में कुछ नौजवानों ने जेल से गुलजार आज़मी साहब को ख़त लिखा और आप जानते हैं कि उसी दौरान गुलजार आज़मी साहब के रिश्तेदारों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद किया गया, जो झूठे केस में गालिबन उनके भांजे और भतीजे को बंद करके जेल के अंदर मौका लगाया गया उन पर और कई साल वो कैद थे, हमारे साथ थे वो। तो गुलजार साहब जमीयत उलमा के साथ कई सालों से काम करते रहे, उनके माशाल्लाह सियासी लोगों से भी अच्छे ताल्लुकात थे, उसके बावजूद उनके रिश्तेदार कई दिनों तक के जेल की सलाखों के पीछे बंद रहे, जिसके नतीजे में उनको ये एहसास हुआ कि ये जो हमारा जो सिस्टम है, जो पुलिस का जो निज़ाम है, वो किस तरह से बेगुनाहों को फंसा कर जेलों में ठूस देता है। उसी दौरान कुछ नौजवानों ने जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में बंद थे, उन्होंने गुलजार आज़मी साहब को खतूत लिखे, जमीयत उलमा को इनफैक्ट खतूत लिखे और जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब उनको खतूत लिखे कि हमारे लिए लीगल एड का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि जमीयत उलमा एक बहुत बड़ी तंजीम है और जिसका जो है आज़ादी के अंदर भी उसका बड़ा रोल रहा है, तो क्यों नहीं ये जो है लीगल एड का काम शुरू करती है। तो वो खतूत जाने के बाद, और आप जानते हैं कि एडवोकेट मरहूम शाहिद आज़मी साहब जब वो उस वक्त जेल से आए और उन्होंने जो है काफ़ी लोगों के लिए काम किया और उसी के नतीजे में उनको शहीद भी किया गया, उन्होंने भी गुलजार आज़मी साहब से मुलाकात करके लीगल एड सेल जमीयत उलमा के अंदर शुरू किया जाना चाहिए उसकी अहमियत को बावर कराया। और उसके बाद मौलाना अरशद मदनी साहब उन्होंने भी तस्लीम किया और एक लीगल सेल का क़याम अमल में आया। गुलजार साहब उसमें पेश रहे, एडवोकेट मरहूम शाहिद आज़मी का रोल बहुत अहम रहा और उनको महाराष्ट्र का लीगल सेक्रेटरी बनाया गया। और उसके बाद बेशुमार लोगों के केसेस इन्होंने देखे, लीगल एड फराहम किया, अच्छे वकील फराहम किए और ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट के अंदर बल्कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनके मुकदमात को फैसल किया गया, उनके मुकदमात को लड़ा गया और उसमें जितना माली ताउन होना चाहिए वो जमीयत उलमा ने उसको अदा किया। और बेशक ये बात भी है कि मिल्लत ने जो है उनका भरपूर ताउन किया और जमीयत उलमा की कॉल पर मिल्लत ने जो है बड़े पैमाने पर जो है दामे दरमे कदमे सुखने जो है काम किया। फिर हम देखते हैं कि कई साल तक, यानी आप देखिए 2000 से ये सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद 2023 तक के करीब 23 साल जो है गुलजार आज़मी साहब लीगल सेक्रेटरी रहे जमीयत उलमा के और बेशुमार लोगों के मुकदमात लड़े। मेरे पास वो डाटा नहीं है, उनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कितने लोगों को उन्होंने छुड़ाया जेलों से, कई लोगों को बेल पर रिहा करवाया, कई लोगों को डिस्चार्ज दिलवाया, कई लोगों के मुकदमात आज भी पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और वो लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि गुलजार आज़मी साहब एक निहायत अहम मिल्लत के फ़र्द थे, बल्कि अपने आप में एक अंजुमन थे और उन्होंने मिल्लत के इस
काम को लेकर, इस कॉज को लेकर के वो आगे बढ़े और ये काम उन्होंने पाए तकमील तक पहुंचाया, जिसके नतीजे में बेशुमार लोगों को, कई लोगों को जो है फ़ायदा हासिल हुआ। तो उनका इंतकाल पिछले साल हुआ है, तो हमने सोचा कि उनके इंतकाल के बाद उनकी याद में एक लेक्चर सीरीज का जो है एहतमाम किया जाना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इनोसेंस नेटवर्क भारत में एक वाहिद एनजीओ है जो एडवोकेट मरहूम शाहिद आजमी के नाम पर हर साल लेक्चर सीरीज करती है, मेमोरियल लेक्चर करती है। लेकिन उस लेक्चर सीरीज की जो नवयत है वो अलग है। उसमें हम हालात हाजरात को भी बात एड्रेस करते हैं, मिल्लत को जो मसाइल है उसको भी एड्रेस करते हैं और मुख्तलिफ मसाइल पर हम बात करते हैं। लेकिन गुलजार आजमी साहब के नाम पर जो लेक्चर सीरीज शुरू करने का इरादा किया गया, हमने सोचा कि चूंकि गुलजार आजमी साहब की पूरी जिंदगी वकालत, हालांकि वो वकील नहीं थे, वकालत के पेशे से लगी रही, वकीलों के साथ गुजारा और उन्होंने लोगों को जो है लीगल एड फराहम किया, तो उनके नाम से ऐसा लेक्चर सीरीज शुरू किया जाना चाहिए जो नए वकीलों को, खास तौर से जो हमारे प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उनको जो है फायदेमंद साबित हो। चुनांचा ये जो लीगल लेक्चर सीरीज है ये शुरू करने का मकसद ये है कि उनके नाम की बरकत से जो हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। वो जो इस काम को कर रहे हैं उसमें क्या क्या मसाइल आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कुछ सीखने मिले ताकि वो बेहतर अंदाज से मिल्लत की जो है रहनुमाई कर सके, मिल्लत को जो है डिफेंड कर सके।